और राजनीति में रहने वाले महान व्यक्तिगण सबको यहाँ पर आह्वान करके रामानुज आचार्य स्वामी जी की जो समता सिद्धांत है उनके बारे में जानकारी और उसका आचरण के लिए कुछ मार्ग ये जानना और दूसरों को बताना। इस उपलक्ष्य पर सबको यहाँ पर आह्वान किए हैं और उस क्रम में आज यहाँ पर हमारे बीच परमहंस परिव्राजक आचार्य बिहार में बक्सर क्षेत्र में विराजते हुए गांव गांव में और नगरी नगरी में धर्म का प्रचार रामानुजाचार्य स्वामी जी का सिद्धांतों का प्रचार करने वाले पूज्य स्वामी जी लक्ष्मी प्रपन्न रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज कौन नहीं जानते हैं दुनिया में जिनको स्वस्थता पे ध्यान होता है वो पूज्य श्री रामदेव बाबा जी को। वो केवल भारतवासी ही नहीं चाहे वो अरब देशों में हो या ईसाई देशों में हो या कहीं भी कोने में हो सब जानते हैं रामदेव। समाज का उद्धार इस देश का जीवनाड़ी को पकड़ कर सकते हैं ये महान विभूति उसमें विशिष्ट करके दुनिया को दिखा रहे हैं आजकल पूज्य श्री रामदेव बाबा जी भी यहाँ पर बता रहे हैं और उनको भी हम स्वागत समर्पण करते हैं। और आज यहाँ पर तमिलनाडु का गवर्नर श्रीमान रवि जी यहाँ पर बधाई हैं। वे बहुत श्रद्धा और भक्ति से रामानुजाचार्य स्वामी जी की समता के बारे में सुनकर यहाँ आने के लिए बहुत प्यार से अंगीकार किए हैं और जिसके लिए हम आनंद से उनको भी स्वागत कर रहे हैं। और हमारे तेलुगु भाषियों का एक सौभाग्य है देश को दिशा निर्देशन देने में डिफेंस चीफ रिसर्च में चीफ हैं श्रीमान सतीश रेड्डी जी डीआरडीओ। ये यद्यपि अत्यंत उत्तम स्थान पे हैं तथापि उतनी ही भक्ति के साथ और संप्रदाय श्रद्धा के साथ अपना काम करते हैं। उन्हीं के द्वारा श्रीमान रवि जी भी परिचित होकर और यहाँ पर आ गए हैं। इन सब विभूतियों को हम आह्वान करते हैं और वहाँ पर विद्यमान भगवान श्री रामचंद्र का अवतार स्थल जिसको अयोध्या जी कहते हैं वहाँ पर रहने वाले पूज्य जगतगुरु रामानुजाचार्य जिसका विद्या भास्कर नाम से पुकारते हैं वासुदेव आचार्य स्वामी जी महाराज हैं
वे छोटी सी उम्र से ही संस्कृत भाषा ज्ञाता है और वरिष्ठ विद्वान भी हैं और अपना संप्रदाय की ज्ञाता तो है ही है, उनको भी हम स्वागत करेंगे। आज यहाँ पर चारों वेदों का अनुसंधान यानी उसका पाठ और इसके साथ साथ एक एक मंत्र से हवन चल रहा है और उनके साथ पुराणों का पाठ, इतिहासों का पाठ और भगवान के जितने भी विभूतियाँ थी उन सबको बताने वाले और उनकी आराधना के बारे में बताने वाले जो ग्रंथ होते हैं जिसको आगम बोलते हैं, वे वैष्णवागम, सेवागम, शक्तियागम ऐसा उन सबका भी यहाँ पर भगवान के सामने अनुसंधान हो रहा है। और उसके साथ प्रतिदिन यहाँ रहने वाले जितने भी ऋत्विकगण हैं और जो वैष्णव भक्त हैं वे सब प्रातः काल में 6:30 से 7:30 तक 1 घंटा भर रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज यद्यपि मैं नरक भागी बनूं ये सारी जनता भगवान की दिशा पे अपने जीवन को सुधार कर समाज की सेवा में लगना है कहकर मंत्र का उपदेश दिए थे जिसको अष्टाक्षरी महामंत्र बोलते हैं और उस मंत्र का एक एक दिन एक एक करोड़ यहाँ पर अनुष्ठान चल रहा है स्टूडेंट के द्वारा और भक्त भी उसमें शामिल हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? आजकल जो कोरोना या ओमिक्रॉन जैसा कुछ भयानक शब्द हम लोग सुन रहे हैं ना, ये तो बाहर का वायरस है, ये भी मिटना चाहिए। ये मिटने के लिए जो अपने वैदिक क्रम के अनुसार अग्नि के अंदर सही ढंग से घी का प्रयोग करें और आहुति दें, उनके द्वारा ये पर्यावरण और उसमें रहने वाले प्रदूषण थोड़ा नाश हो जाएगा। रामानुजाचार्य स्वामी महाराज तो इससे भी भयानक जो अंदर रहने वाले वायरस हैं जिसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, समाज में अंतर बनाते हुए और समाज को अलग करने वाले शक्तियां, ये अंदर रहने वाला वायरस है, इन दोनों को भी नाश करना है। तो बाहर का वायरस के लिए हवन, अंदर का वायरस के लिए रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की सूक्तियां, इन दोनों को साथ मिलाते हुए यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन की गई है। हम अपना प्रीतम गवर्नर ऑफ तमिलनाडु श्रीमान रवि जी को हम आह्वान करेंगे कि वे इस कार्यक्रम में अब कुछ झलक दिखे हैं, देखे हैं और अपना अनुभव और अपनी अनुभूति को यहाँ पर और रामान स्वामी जी का समता का संदेश के बारे में भी जो अपना अभिप्राय का प्रकट करेंगे, अभिप्राय को प्रकट करने के लिए हम आह्वान करेंगे श्रीमान ऑनरेबल गवर्नर ऑफ तमिलनाडु श्रीमान रवि जी।